धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया है और वो भी उनके रिटायरमेंट से ठीक 3 दिन पहले। तो एक बड़ा घटनाक्रम है। इसके बाद बहुत सारे सवालों को जन्म लेना चाहिए, तो उन सवालों ने जन्म ले लिया है, सवाल खड़े हो रहे हैं। यह अलग बात है कि मीडिया, जो खुद को मेनस्ट्रीम मीडिया कहता है, वो उन सवालों को नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम उन सवालों को उठाने जा रहे हैं। जैसे बालाजी श्रीवास्तव को, जिन्हें 30 जून को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, उनको एकदम से क्यों हटा दिया गया? और अगर इनको, यानी कि राकेश अस्थाना को ही पुलिस कमिश्नर बनाना था, तो बालाजी को, श्रीवास्तव जी को क्यों बनाया था? उसी वक्त 30 जून को इनको बना देते, ये भी एक सवाल हो सकता है। और एक अहम सवाल ये कि जब इनके रिटायरमेंट के 3 दिन बचे हैं, उस वक्त इनको क्यों बनाया गया है 1 साल का एक्सटेंशन देकर? और बालाजी श्रीवास्तव से ऐसी कौन सी खता हो गई कि उनको बदला गया? इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं। खबर यह आ रही थी कि पिछले साल भी इनको पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है, जब अमूल्य पटनायक को हटाया गया था, तो उस वक्त क्यों नहीं बनाया गया था? और एक अहम सवाल ये है कि जब इनके ऊपर कई सारे एलिगेशन हैं, जब ये CBI में स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे, तो वहाँ पर डायरेक्टर आलोक वर्मा से इनका 36 का आंकड़ा था, मामला खींचतान तक चला और बाद में पूरा CBI हेडक्वार्टर घेर कर वहाँ से आलोक वर्मा को रात को हटाया गया, वो भी आप सब लोग जानते हैं। तो इनको अब जाकर जो है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर क्यों बनाया गया है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने IPS विभूति नारायण राय जी, यानी कि VN राय जी जुड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के DG रह चुके हैं और अखबारों में उनके बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं। उन्हीं से समझेंगे घटनाक्रम क्या कहलाता है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि राकेश अस्थाना की पोस्टिंग को लेकर, यानी कि जो अभी 3 दिन बचे हैं रिटायरमेंट के और इस दौरान उनको पुलिस कमिश्नर बना दिया है दिल्ली का, इस बारे में मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये बड़ा विवादास्पद निर्णय है सरकार का। ये नियुक्ति बड़ी विवादास्पद है कई कारणों से। एक तो राकेश अस्थाना गुजरात काडर के अधिकारी हैं और ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह दोनों के बहुत करीबी रहे, तो ये स्वाभाविक भी है। मोदी जी वहां पर मुख्यमंत्री थे और शाह वहां के गृह मंत्री हुआ करते थे, तो स्वाभाविक है कोई भी IPS अफसर इनके करीब होना चाहेगा या हो सकता है। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह है कि इनका पूरा कैरियर विवादों के घेरे में रहा। अगर आपको याद दिलाऊं मैं कि पिछली अपनी एक नियुक्ति में जब ये CBI में स्पेशल डायरेक्टर थे, तो डायरेक्टर से इनका झगड़ा चल रहा था, आलोक वर्मा जो डायरेक्टर हुआ करते थे। पिछली बार जब ये CBI में स्पेशल डायरेक्टर थे, तो CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा से इनका झगड़ा चला था। आलोक वर्मा ने इनकी इंटीग्रिटी को लेकर के कुछ सवाल उठाए थे और एक जांच आदेश की थी। इसके अलावा इनको ACR में भी इनके कुछ प्रतिकूल प्रविष्टि करने की कोशिश की थी। इस तरह के तमाम विवादास्पद घटनाएं हुई थी और उसके नतीजे में दोनों को वहां से हटाया गया। आलोक वर्मा तो खैर रिटायरमेंट के वर्ग पे थे, वो कुछ दिनों में रिटायर हो गए, इनको दूसरे बेहतर पद दिए जाते रहे जी। ये ED के किस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में या NCB में, मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से NCB में इन्हें डायरेक्टर बनाया गया जी। उसके साथ साथ एडिशनल चार्ज BSF के DG का, देखिए BSF का DG बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये जितने भी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनमें BSF का DG एक फुल टाइम जॉब है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, खासतौर से तब जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा पर लगातार गोलाबारी हो रही थी, पाकिस्तान की सीमा पर लगातार ड्रोन से और दूसरे तरीकों से हथियार और नार्कोटिक्स भेजने की कोशिश ISI कर रही थी, तो उस समय तो DG BSF का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ, मैं खुद वहां रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि DG BSF अगर 24 घंटे में 20 घंटे भी काम करे तब भी उसका काम खत्म नहीं होता है। तो वहां पर रहते हुए इनको एक दूसरे संगठन का भी मुखिया बना दिया गया जी। फिर ये जो बात अभी आपने उठाई कि इन्हें पहले क्यों नहीं कमिश्नर बना दिया गया, उस पे मैं आना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी एक सवाल आपसे समझना चाहता हूँ, अपने दर्शकों के लिए भी, अपने लिए भी। मान लीजिए IPS ऑफिसर है, उसको NCB का भी हेड बना दिया आपने, उसको आपने BSF का भी हेड बना दिया, तो पैसा तो दोनों जगह से पाता होगा ना सर? वो नहीं, तनख्वाह तो एक ही जगह मिलेगी, क्योंकि वो भारत सरकार का नौकर है, तो तनख्वाह तो एक ही जगह, दोनों जगह से तनख्वाह नहीं मिलेगी। थोड़े बहुत पर्प्स हैं,
मान लीजिए जैसे ये जो ऑफिशियल कार है या इस तरह के, तो ये तो छोटे मोटे पर्क्स हैं, तनख्वाह तो एक ही जगह से मिलेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन भी मैं दूसरी एक चीज यहाँ पे आपसे समझना चाहता हूँ कि उस वक्त एल नागेश्वर राव को सीबीआई का चीफ बनाया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके जब फंस गया, उसके बाद यानी कि सरकार राकेश अस्थाना को तब भी सीबीआई का हेड बनाना चाहती थी और उसके बाद शायद अब भी सीबीआई का हेड बनाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बढ़ गए और वो फिर से सरकार उनको सीबीआई का हेड नहीं बना पाई, तो इसलिए शायद अब उनको दिल्ली पुलिस का हेड बनाया गया है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, असली सरकार की मंशा तो इनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाने की थी और अगर ये बन जाते तो 2 साल का इनका वो अपॉइंटमेंट हो जाता, लेकिन अभी जब इनका नाम आया, जब सीबीआई के जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं इनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चली, तो ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है कि चीफ जस्टिस ने, जो उस कमेटी के एक मेम्बर थे, चीफ जस्टिस ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि एक निश्चित अवधि तक जिसका सेवा काल बचा हुआ है उसी का नाम कंसीडर किया जाए, तो चूंकि ये रिटायरमेंट के वर्ड पे थे, 4-5 महीने इनका रिटायरमेंट था, तो इनका नाम सरकार चाह करके भी वहां पर नहीं ला पाई और इनको सीबीआई का डायरेक्टर नहीं बना पाई। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब इनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर ही बनाना था तो बालाजी को 30 जून को क्यों बना दिया गया, तभी बना देते इनको, अब 27-28 दिन तक उनको बनाए रखा बेचारों को और अब एकदम से उनको हटा दिया और इनको बैठा दिया, तो 28 दिन पहले ही ऐसा कर लेते, क्या दिक्कत थी? हाँ सही कह रहे हैं आप, ये तो सरकार, तो भाई सारे अधिकार सरकार के पास है, ये इस तरह का एक जो ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। हालांकि बालाजी का जो ऑर्डर था, जब मैंने अखबार में ये उनका अपॉइंटमेंट हुआ मैंने ऑर्डर पढ़ा था, तो उसमें उनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया था कमिश्नर पुलिस का, कमिश्नर पुलिस अपॉइंट नहीं किया गया था, वो स्पेशल कमिश्नर हैं दिल्ली में और कोई उनका असाइनमेंट होगा, कोई कुछ देख रहे होंगे, उसके अतिरिक्त कहा आदेश था कि वो कमिश्नर पुलिस का भी काम देखेंगे। ये आदेश ही अपने आप में चौंकाने वाला था कि भाई आप कमिश्नर पुलिस के सर पे इस तरह की तलवार क्यों लटका रहे, लेकिन सरकार ने पहले भी किया, इसके पहले भी जो कमिश्नर थे अभी जो रिटायर हुए हैं उनको रिटायरमेंट के 10 दिन पहले या 5 दिन पहले उनको रेगुलर कमिश्नर का आदेश दिया गया, यानी कमिश्नर पुलिस जैसा महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदार पद, अगर आप उसमें अधिकारी के ऊपर तलवार लटका करके उसे केवल ऑफिशिएटिंग कमिश्नर पुलिस बना देंगे तो वो कितना डर डर के काम करेगा और कितना उसकी अंदर इनिशिएटिव बचेगा, कितना उत्साह ऊर्जा बचेगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है सर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बालाजी श्रीवास्तव को, जिन्हें 30 जून को बनाया गया था, उन्हें कल रात अचानक हटा दिया गया और राकेश अस्थाना को बिठा दिया गया, कि उन्होंने किसान संसद चलाने की जंतर मंतर पर इजाजत दे दी, राहुल गांधी ट्रक के अंदर छुपा के ट्रैक्टर ले गए और वो जो है संसद तक ट्रैक्टर चलाते हुए चले गए, कहीं उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा बालाजी श्रीवास्तव को? देखिए पर्दे के पीछे क्या हुआ इसके मुझे जानने का ना तो कोई जरिया है और ना मुझे लगता है कि ऐसा हुआ, क्योंकि ये इस तरह के बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये लगता है कि ये जब इनको बना रहे थे, राकेश को कमिश्नर पुलिस बना रहे थे, तो शायद इस तरह की चर्चा हुई होगी कि इस कदम से सरकार की बदनामी होगी, सरकार की छीछा लेदर होगी, लोग सवाल उठाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यूटी एक कैडर है जिसमें बहुत सारे अफसर सीनियरिटी के ऐसे मुकाम पे होंगे जहां कमिश्नर पुलिस के रूप में अपॉइंटमेंट उनको अपना अधिकार लगता होगा कि उनके नाम पर भी विचार किया जाए, तो उन सब में फ्रस्ट्रेशन होगा, एक डिमोलाइजेशन होगा फोर्स का, तो ये सारी हो सकता है इस वजह से डिले हुआ हो, बहसें होती रही हो। लेकिन अब ये तो सरकार का अधिकार है, मैं तो समझता हूँ कि कमिश्नर पुलिस की जगह उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का बना देते सर, वो ज्यादा बेहतर रहा होता, कम से कम ये जो आईपीएस में जो डिमोलाइजेशन और जो एक असंतोष है तो वो ना हुआ होता, जो निश्चित रूप से दिल्ली के काडर में इस तरह का जरूर लोगों के मन में कसक होगी कि उनका नाम क्यों कंसिडर किया गया, वो सीनियर है और उस ब्रैकेट में आते हैं जहाँ कमिश्नर पुलिस के लिए उनके नाम का विचार होना चाहिए, तो शायद ये सब रहा होगा। बहुत सही बात आपने कही कि अगर सरकार को कुछ नवाजना ही था तो 3 दिन बाद रिटायर्ड हो जाते, उनको दिल्ली का एलजी बना के बैठा देते, सरकार के अपने हाथ में है और अपने अगर करीबी आदमी को खुश रखना है तो वो फार्मूला था, कम से कम उन सीनियर को डिमोरलाइज तो ना किया जाता इस तरीके से कि आपको छोड़ के एक ऐसे शख्स को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है जिसके रिटायरमेंट के सिर्फ 3 दिन बाकी है और 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अच्छा ये एक्सटेंशन देने का जो सिलसिला है सर, ये सरकार अपने चहेतों को ही देती, वरना एसएन श्रीवास्तव को भी 1 साल का एक्सटेंशन देके फिर कमिश्नर बनाए रखा जा सकता था? हाँ सही बात है, देखिए एक्सटेंशन तो पूरी तरह से सरकार की कृपा पर है और एम्प्लॉयर का ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस तरह के मसले आए हैं,
और ये अदालतों का भी यही, उनकी भी ये राय है कि एम्प्लॉयर का अधिकार है, तो उसमें हमें शायद सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो एक साल का देना चाहते थे दे दें, लेकिन वो उन्हें एक साल के आप दो साल का दे करके लेकिन किसी दूसरी जगह पर रख सकते थे। यहाँ पर जो कि देखिए एक काडर बना हुआ है, वो एक डिसिप्लिन काडर है, वो आवाज नहीं उठा सकता लेकिन उसके अंदर असंतोष तो हो सकता है ना। इसके पहले भी दिल्ली में, ये पहला मौका नहीं है, दिल्ली में जे एन चतुर्वेदी, अजय राज शर्मा और एक राजस्थान कैडर के भी आए थे जो मिसेज इंदिरा गांधी के डेथ के फौरन बाद आए थे। ये तीन अफसरों का तो मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये तीनों अफसर अपने अपने क्षेत्र में असाधारण इनकी रेपुटेशन थी और ये बहुत प्रोफेशनल अफसर माने जाते थे। तो अब हमें देखना होगा कि क्या राकेश अस्थाना की प्रोफेशनल रेपुटेशन उसी तरह की है जैसी जे एन चतुर्वेदी साहब की थी या अजय राज शर्मा साहब की थी जो उनको चुना गया। तो ये थोड़ा एक इसे बचा जा सकता था, सरकार अगर बचती तो मुझे लगता है कि उसको वो ज्यादा बेहतर रहा होता। सरकार बचना नहीं चाहती है, सरकार उनको लाना चाहती है, तभी तो पिछले साल भी चर्चाएं चली थी क्या अमूल्य पटनायक के स्थान पे इनको लाया जा सकता है, तब इनको नहीं लाया गया क्योंकि आपने बताया कि तब सरकार शायद ये सोच रही थी कि इनको जो है सीबीआई का हेड बना के बैठाया जा सकता है, पर अब सरकार ने इनको यहाँ ला के बैठा दिया। क्या इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि लगातार अदालतों के अंदर से दिल्ली पुलिस पर दिल्ली दंगों की जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में राकेश अस्थाना सबसे अच्छे अधिकारी इनको लगते हैं, इनके मनमाफी काम करते आए हैं वो गुजरात से लेके यहाँ तक, तो इन्होंने इसलिए इनको बैठाया है। देखिए राकेश अस्थाना तो विश्वास पात्र ही है, इसमें तो उनके पूरे करियर का ग्राफ बताता है, लेकिन विश्वास पात्र होना कोई बुरी बात नहीं है, आप बल्कि अच्छा मैं समझता हूँ। जैसे अगर किसी डीजीपी का अपने मुख्यमंत्री से बहुत अच्छा रिश्ता है तो वो पुलिस के लिए फायदेमंद होता है, बहुत सारे पुलिस के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे पुलिस के प्रपोजल क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह कमिश्नर पुलिस अगर यूनियन होम मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री से अगर उसके अच्छे रिश्ते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सारे जो प्रपोजल्स पड़े होंगे दिल्ली पुलिस के निकलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो नॉन प्रोफेशनल किस्म का चक्कर है कि आप पहले डायरेक्टर सीबीआई बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए तो आपने कमिश्नर पुलिस बना दिया और वो भी रिटायरमेंट के तीन दिन पहले बना के एक महीने एक साल का एक्सटेंशन दे दिया। बहरहाल जो दिल्ली दंगों वाली बात आपने कही, वो तो किसी भी अफसर से आपने, सरकार तो सरकार है आप जानते हैं, वो किसी भी अफसर का मिसयूज कर सकते हैं, कोई भी सरकार कर सकते हैं इसी सरकार के लिए, तो वो तो एक अलग बात है। बहरहाल ये अगर ना करते तो अच्छा रहा होता, मैं एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर की तरह से मुझे तकलीफ हो रही है देख करके कि एक अच्छा काडर है दिल्ली का, एक प्रतिष्ठित काडर है, मतलब जो भी आईपीएस में आता है तो उसका उसकी एक तमन्ना होती है दिल्ली राजधानी है कि यहाँ का पुलिस कमिश्नर हो जाए, दिल्ली में आए, दिल्ली में सेवा करे, लेकिन अब वो सबको निराशा होगी इस फैसले से, लोगों को निराशा होगी इस फैसले से, लोगों को निराशा होगी और ये फैसला अच्छा नहीं माना जा सकता है। एक तो दिखावटी तौर पे भी होता है और एक भीतरी तौर पे भी होता है, उस हिसाब से भी इसको अच्छा नहीं माना जा सकता क्योंकि इनकी काम छवि अच्छी नहीं रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने मौका दिया है तो क्या कर दिखाते हैं, एक साल का मौका है उनके पास और एक साल में दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है और दिल्ली दंगों के लेकर जो कोर्ट में फजीहत हो रही है उसमें किन चीजों में वो क्या सुधार कर पाते हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर जो कुछ बदलाव होने हैं उनमें वो किस हद तक कामयाब हो पाते हैं, सब देखना दिलचस्प होगा। आपने वक्त दिया, इतनी छोटी बातचीत में तमाम चीजें सिमट नहीं सकती हैं, सवाल और भी बहुत बाकी हैं, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।